प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सत साही ग्रीव नमो नम सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैबंधम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन दुनम। सोहम सुरती समापतम सकल समाना नीरतले। उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा था है वार पर नहीं मद्यतम। दिव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पूं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावें पूजें आद गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावें समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावें। 33 कोटि आधारा ध्यावें शेष 88 उतर बहु जल पारा कट है यम की फांसी 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88 उतर बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरों विनती करूं धरूं चरण पर शीश गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं हूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बांधी जो मैं गुलाम। कुत्ता हूं गुरु देव का रामपाल दास का नाम गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोवा जाऊं
तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो दे वो सुख। जय इब के सतगुरु मिले, जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आखूरो, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाई, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको ना। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय ना समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता कुलाज। मैं अपराधी जन्म का, नख सिक बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवार। सूरत करो मम साईया, हम हैं भव जल माही, आप ही बह जावेंगे, जो तुम न पकड़ोगे बांह। हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का, अब सूजत और न ठोरे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर साहेब जी, कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग से हमें जानकारी होती है कि हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके क्या कार्य कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, हमारा यह उद्देश्य क्या है जन्मने और मरने का, हम यहाँ कितनी भयंकर यातनाएं सहन कर रहे हैं, कितने हमारे ऊपर कष्ट आते हैं, कितनी आपत्तियां आती हैं, आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, और हम यहां किस कारण से रह रहे हैं, इसकी जानकारी सत्संग से होती है। और सत्संग केवल कबीर परमेश्वर जी ने ही आके बताया है, सुनाया है। परमेश्वर कबीर जी के अतिरिक्त किसी के पास ये सत्संग नहीं था, और कबीर परमेश्वर ने जो ये सत्संग अर्थात ये तत्वज्ञान स्वयं आकर के बोला था, और फिर वो लिपिबद्ध किया गया, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं, जिसको कबीर वाणी कहते हैं, उस कबीर वाणी के अंदर यह सत्संग है।
और उसके अतिरिक्त जो सदग्रंथों के अंदर सदग्रंथ लिखा था, अन्य सदग्रंथों में सूक्ष्म वेद को छोड़कर, उसको हमारे गुरुजन समझ नहीं सके। जो तत्व ज्ञान उनके अंदर विद्यमान था, हमारे पवित्र हिंदू धर्म के जो गुरुजन थे, वो उन सदग्रंथों को ढंग से नहीं समझ पाए, जिस कारण से वे हमें सत्संग नहीं बता सके। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का अनुसरण, सत्य ज्ञान की प्राप्ति, और फिर उसके अनुसार सब साधनाएं क्रियाएं हमारी हों तो हम सत्संग कर रहे हैं, सत्य का साथ कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम सत्संग नहीं कर रहे हैं, ना सुन रहे हैं और ना ही हम सत्संग सत्य के साथ चल रहे हैं, जिस कारण से हमारी यहाँ जन्म और मृत्यु की ये व्यवस्था समाप्त नहीं हुई है। और जब तक जन्म और मृत्यु रहेगी, जीव को शांति नहीं हो सकती। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसी परमेश्वर की कृपा से तुझे सनातन परम धाम, परम शांति और सनातन परम धाम की प्राप्ति होगी। परम शांति, और अपनी शरण के बारे में कह रहा है कि यदि मेरी शरण में रहना है, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में, मेरे में भाव वाला बन, मेरे में श्रद्धा रख, अन्य देवताओं की पूजा त्याग दे, केवल मेरी ही भक्ति कर, मुझ में मन वाला हो, मुझ में भावित रहेगा और मेरा ही सेवन भी कर और युद्ध भी कर। मेरी शरण में रहने का ये कार्य है कि युद्ध भी करना पड़ेगा, तो युद्ध जहां होगा वहां शांति नाम की वस्तु नहीं। फिर कहता कि यदि तुझे परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से ही तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने विषय में कहता गीता ज्ञान दाता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 11 के मंत्र 2 में कह रहा है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त है, और जब तक जन्म मृत्यु है परम शांति नहीं हो सकती। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में यह स्पष्ट किया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसकी ऊपर को जो जड़ है वो तो समझो मूल मालिक है, पूर्ण ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो सबका धारण पोषण करता है, सबका पालन करता है और जिससे सब ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई है। जैसे जड़ से ही यानी मूल से ही पेड़ को आहार प्राप्त होता है और मूल के ही कारण पौधा पेड़ बनता है, फलता फूलता है। ऊपर को जड़ तो वो दिव परम पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, और तीनों गुण रूपी नीचे को लटकी हुई शाखाएं हैं। बीच का जो पोर्शन रहेगा, तना और मोटी डार और शाखाएं, तो इसके विषय में गीता ज्ञानदाता अल्पज्ञता सिद्ध करता है कि मुझे इसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 में कहा है कि तीनों गुण रूपी शाखा हैं, फिर 3 में कहा कि ये इस संसार रूपी वृक्ष का जो इसकी जानकारी मैं नहीं रखता, यहाँ विचार काल में। विचार काल का अर्थ है कि जो तेरा मेरा गीता का डिस्कशन हो रहा है, विचार विमर्श चल रहा है, इसमें मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसकी मुझे आदि और अंत का ज्ञान नहीं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि तू सर्व उस तत्वदर्शी संतों के पास जाकर के उस परमात्म ज्ञान को समझ, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा के विषय में जानकारी देंगे, परम अक्षर ब्रह्म की पूरी डिटेल बताएंगे।
जब वो तत्वदर्शी संत तुझे प्राप्त हो जा, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 3 और 4 में स्पष्ट किया है, उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूपी अंधकार को काटकर, यानी तत्व ज्ञान को समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और उसी परमेश्वर से सर्व संसार की यानी संसार रूपी वृक्ष की परिवर्ती विस्तार को प्राप्त हुई है। अर्थात उसी परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है और उसी परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। मैं उसी की शरण हूँ और उसी की भक्ति करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता कहता कि मैं भी उसी की शरण में हूँ, उसी की भक्ति करता हूँ। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में तो कह रहा है कि तू सर्वभाव से उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 63 में कहा कि यह गीता का गुड़ से गुड़ रहस्य, गुप्त से गुप्त ज्ञान तुझे सुना दिया, तू जैसा उचित समझे ऐसा कर ले। मेरी शरण में रहना है तो जन्म मृत्यु तेरी भी मेरी भी, और शांति नाम की चीज नहीं, क्योंकि युद्ध करना पड़ेगा। अब निर्णायक ज्ञान चल रहा है गीता जी में, 18वां अध्याय अंतिम अध्याय है, अंतिम ये श्लोक चल रहे हैं लगभग। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि तू अब उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, और अपनी स्थिति बता दी कि मेरी और तेरे सदा जन्म मृत्यु रहेंगे यदि मेरी शरण में रहेगा तो। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा कि तू फैसला कर ले, अब सोच ले तूने जो करना, मेरी शरण में रहना है या उस परमेश्वर की शरण में जाना। उसकी शरण में जाना है तो तत्वदर्शी संतों से उसका ज्ञान प्राप्त कर, मैं नहीं जानता, और ये गुप्त से गुप्त गीता ज्ञान तुझे मैंने बता दिया, गुप्त से गुप्त। गीता जी के 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में फिर गुप्त से गुप्त भेद और बता रहा हूं, जिसके विषय में मैं तुझे उसकी शरण में जाने को कह रहा हूं, वो परम अक्षर ब्रह्म मेरा भी इष्ट है, मेरा भी पूज्य देव है। यहां अनुवादकर्ताओं ने गड़बड़ी कर रखी है, इसमें लिख दिया कि तू मेरा प्रिय है इसलिए गुप्त से गुप्त भेद और बताता हूं। फिर सुन, गुप्त तो ये पहले 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कह चुका है कि गुप्त से गुप्त भेद यू गीता वाला मैंने बता दिया, अब एक और गुप्त से गुप्त बताता हूं कि ये मेरा पूज्य देव है, मेरा इष्ट है। तो पुण्यात्मा, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति ना करने से हम अभी तक जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग में ग्रस्त रहे। जब तक ये जन्म मृत्यु है शांति नहीं। आज हम और आप सभी अपने परिवार को और अपनी संपत्ति को अपना माने बैठे हैं, और यहाँ कोठी और कार खरीदने में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाने में, MLA MP मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की इच्छा में हम पूरा मनुष्य जीवन वेस्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, और एक सेकंड का कोई किसी को विश्वास नहीं, किसी का भी, एक सेकंड में ना जाने कब यहाँ के बिजली गिर जाए, और हम फिर भी यहीं व्यवस्थित हैं, फिर भी यहाँ से मन नहीं हट रहा, क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं, और करें क्या, क्योंकि इस मन को तो कोई ना कोई चाहिए कहना कहीं टक्कर मारने, ये तो जीव को निचला एक स्थान पर टिकन नहीं देता। ऋषि महर्षि ने कोशिश की, तत्वदर्शी संत के अभाव से परमात्मा पाने के लिए भरसक प्रयत्न भी किए और बहुत कठिन साधनाएं भी की, लेकिन इस मन ने उनको भी बुरी तरह भ्रमित रखा और कोई ना कोई कारण बना के उनको भी नष्ट कर डाला। अब कारण क्या है कि जब तक हमें परम अक्षर ब्रह्म की साधना और तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, तब तक हम
जो व्यवस्था कर रहे हैं इससे मन नहीं हटा सकते। जो भी क्रियाएं हम करते हैं इसी में हम आसक्त रहते हैं, और सतगुरु मिलेंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, आप यहाँ के वासी नहीं हो, यहाँ तो आप विवश कर रखे हो, यहाँ तो हम सभी बाई फोर्स रोक रखे हैं, ऐसे बंधन हमारा बांध रखे हैं, हम इन चरम दृष्टि से उसको देख नहीं सकते। परमेश्वर के तत्व ज्ञान से फिर उन बंधनों का हमें आभास होगा और उनको हम अच्छी तरह समझ सकेंगे कि कौन कौन से बंधन किन किन रसों से हमें बांध रखा है। अब यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसी बंधन में, इन्हीं बंधनों में बंधे हुए, कर्मों के बंधन में, और ब्रह्म भी यहीं बंद है क्योंकि ये यहाँ का स्वामी है, इसे बाहर ये नहीं जा सकता, और परब्रह्म भी अपने लोक में ये भी कैद है। केवल एक परम अक्षर ब्रह्म है जो स्वतंत्र परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म, जिसको सत्य पुरुष भी कहते, और वो सतलोक में रहता है। हम आप सभी सतलोक में रहा करते थे और वहाँ से हम अपनी गलती के कारण यहाँ इस काल के लोक में आ गए हैं। ये काल का लोक है, 21 ब्रह्मांड हैं इसके, और यहाँ का विधान है जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी, जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल आपको यहाँ मिलेगा 21 ब्रह्मांड में। आपने बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल भी भोगना ही पड़ेगा, अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा कर्म भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जन्म और मृत्यु और ये कर्मों का भोग दंड आपको भोगना ही पड़ेगा और सदा इसका फेस करना पड़ेगा। केवल एक परम अक्षर ब्रह्म है जो हमारे इस जन्म और मृत्यु के रोग को नाश कर सकते हैं, और साथ में हमारे जो प्रारब्ध के अंदर, प्रारब्ध बोलते हैं अपने आपके एक जीवन में, वर्तमान जीवन में जो भी सुख या दुख आपके लिखे हुए हैं आप केवल उन्हीं को भोग रहे हैं, और केवल परम अक्षर ब्रह्म आपके इस प्रारब्ध में परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि पुण्यों से सुख होता है और पापों से दुख होता है, संकट आते हैं, और यदि हमारे पाप ही समाप्त हो जाएं प्रारब्ध वाले तो हमें जीवन में सुख हो सकता है। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और कांटा, कांटे के कारण दुख है और कांटा निकलते ही सुख हो जाएगा, तो हमारे कर्मों के कांटे लगे हुए हैं और इनको ना ब्रह्मा जी काट सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, ना श्री राम, ना श्री कृष्ण, और न ही ये ब्रह्म, केवल परम अक्षर ब्रह्म इस कांटों को निकाल सकता है। उसी के पास ये औजार हैं जो हमारे पाप रूपी कांटों को निकाल सकते हैं, हमारे जीवन रूपी सफर को साफ कर सकते हैं, उस रास्ते को साफ कर सकते हैं। तो हम उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति ना करके, हम उसके आगे अर्जी ना लगा के, हम उन भगवानों के सामने अर्जी लगाते रहे, उनकी स्तुति प्रार्थना भक्ति करते रहे जो हमारे प्रारब्ध के या किसी संचित कर्म को वो नाश नहीं कर सकते, वो समाप्त नहीं कर सकते, और जिस कारण से हमें शांति नहीं हो सकती। अब जैसे कोई भी भक्त है, श्रद्धालु है, अच्छी आत्मा है, वो तो भक्ति के लिए वैसे ही संतों के पास जाते हैं, उनके पिछले संस्कार इतने अच्छे होते हैं कि वो भक्ति भगवान के बिना रह नहीं सकते, और वो चले जाते हैं संतों को तत्वदर्शी संत समझकर, और वहाँ जैसा भी उनको ज्ञान दे दिया जाता है वो श्रद्धालु बिलीवर होते हैं, विश्वासी होते हैं, जो गुरुजी ने कहा वो करबद्ध हो करके और नतमस्तक हो करके स्वीकार करके और उसके ऊपर आरूढ़ हो जाते हैं। उनको पता नहीं कि ये नीम हकीम है, इसके पास सत साधना नहीं है, लेकिन वो उसको पूर्ण संत मानकर साधना करने लग जाते हैं, साधना करने लग जाते हैं। और जो दुखी होते हैं वो दुख का नाश कराने के लिए, संकट निवारण के लिए भी संतों की ही तलाश करते हैं। पहले तो हम भटकते हैं, जैसे अपनी परंपरागत साधनाएं होती हैं,
किसी मंदिर में जाते हैं या किसी मढ़ी पर जाते हैं, वहाँ सब मत्थे उत्थे टेक टाक के हम जब थक लेते हैं, कोई लाभ नहीं होता, कोई बताता है कि वहाँ एक संत हैं, उनके आशीर्वाद से आपका दुख निवारण हो जाएगा, तो वहाँ जाते हैं। वो संत जाते ही आपको कोई क्रियाएं बताता है, ऐसा कीजिए, इतना दान कीजिए, ऐसा कीजिए, हैं ऐसे ऐसे अनुष्ठान कीजिए, ये मंत्र का जाप कीजिए, आपका ये संकट ठीक हो जाएगा। आप ऐसे ही करते हो, जब दो तीन बार आप चले जाते हो, फिर वो कहता है, जब आपको राहत नहीं मिलती, आप प्रार्थना करते हो कि मुझे कोई राहत नहीं मिली, तो वो क्या कहता है कि भाई देखो, ये तो आपके प्रारब्ध में लिखा है, प्रारब्ध में आपने भोगना ही पड़ेगा, और प्रारब्ध का जो पाप है वो तो भोगने से ही समाप्त होता है। और फिर उदाहरण देते हैं कि जैसे भगवान विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी आए थे, विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने कि तू एक जीवन अपनी पत्नी के वियोग में बिताएगा, ऐसा ही हुआ। और फिर श्री राम वाली यानी विष्णु वाली आत्मा श्री कृष्ण जी बने, और श्री राम रूप में श्री कृष्ण जी ने यानी श्री राम ने बाली मारा था सुग्रीव का भाई एक वृक्ष की ओट लेकर धोखे से, तो श्री कृष्ण रूप में उस कर्म का भी भोग श्री कृष्ण जी को भोगना पड़ा। बाली वाली आत्मा एक शिकारी बनी और विषाक्त तीर से भगवान श्री कृष्ण जी के तलवे में तीर मार कर उनका वध किया। इस प्रकार फिर ये जो तत्व ज्ञानहीन संत हैं, फिर ये कथाएं सुना के अपना पीछा छुड़वाते हैं और कहते हैं देखो, भगवानों को भी कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ा। तो उसमें तो भक्त संतुष्ट हो जाता है, लेकिन वो पाप रूपी कांटा तो फिर भी खटकता ही रहता है, और जब तक वो पाप रूपी कांटा नहीं निकलेगा तब तक चैन पड़ नहीं सकती, चाहे कोई कितनी बात बढ़ा ले और कितनी सांत्वना दे दे उसको। फिर वो दूसरे के पास जाता है, वहाँ से भी कोई राहत इसी प्रकार वो थक लेता, फिर तीसरे के पास जाता है। जब वहाँ से भी उसको राहत नहीं मिलती है, या तो वो मर जाता है या फिर और उल्टे काम करने लग जाता है, शराब पीने लगेगा उस टेंशन को कम करने के लिए, या फिर चोरी करने लगेगा टेंशन को कम करने के लिए, क्योंकि किसी को तो निर्धनता के कारण दुख है, तो वो धनी बनना चाहता है चोरी और डाके मार के, या कोई और कर्म बुढ़े करके। इस प्रकार कोई प्राणी कभी भी सेठ नहीं बन सकता, धनी नहीं बन सकता, दोनों पाप कर्म बढ़ावेगा, अपने कर्म बिगाड़ सकता है। तो इसी कारण से पुण्यात्माओं, आज पूरा मानव लगभग यानी 90% मानव की वृत्ति कति बिगड़ ली, भगवान का डर रहा नहीं, आस्था समाप्त होती जाती है, ऊपरले मन से भले ही हम राम राम कहते हैं पर अंदर में विकार, अंदर में सारी कुभद ज्यों की तो विद्यमान है, और हमारा हर तरह से व्यवहार बिगड़ गया, माया ही हमें सब कुछ दिखाई दे रही है। तो इसका कारण ये नकली संत हैं, ये तत्व ज्ञानहीन नीम हकीम जो संत गुरु बने बैठे हैं, ये मंडलेश्वर, ये इसका मुख्य कारण है, क्योंकि इन्होंने सदग्रंथों को समझा नहीं और हमारे को गलत रास्ता दे दिया, और श्रद्धालु गुरु जी के बताए अनुसार सिर धड़की बाजी लगा देता है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा कष्ट निवारण हो, मुझे जो टारगेटेड वस्तु मिले, मेरे उद्देशित वस्तु मिले। यही कारण था कि रावण को उसके नीम हकीम गुरु ने राक्षस बना दिया। रावण ब्राह्मण था और उनके गुरु से उन्होंने सब शिक्षाएं प्राप्त की। उन्होंने गुरुजी के आगे ये इच्छा रखी कि मैं राजा बनना चाहता हूँ और सब सुविधाएँ हों मेरे पास,
तो रावण के गुरु ने बता दिया कि भगवान शिव, ये तमोगुण शिव, ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, मृत्युंजय है, कालज्ञ है और रिद्धि और सिद्धि के ये दाता हैं। ये आपको बहुत धन दे सकते हैं यदि ये प्रसन्न हो गए तो। और बताया कि वेदों में इसी की महिमा है। वेदों को प्रत्येक प्राणी सत्य मानता है और वेदों के आधार से कोई बताता है कि ये वेदों में ऐसा लिखा है, आप ऐसे कीजिए, तो हम उसको शास्त्र अनुकूल साधना जानकर करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन वो नीम हकीम गुरु समझ नहीं सके कि वेदों में शिव और शंभू किसके लिए संबोधित है। अब वहाँ वेदों में जो शिव है वो परम अक्षर ब्रह्म की तरफ है और शंभू का अर्थ भी यही होता है, जो एक शंभू होता है एक स्वंभू होता है। स्वयंभू तो परमेश्वर, जो कभी जन्म नहीं लेते वो स्वयंभू हैं, यानी स्वयं ही प्रकट है। और शंभू का अर्थ होता है जो सुखदाई भगवान हो। तो हम वेदों के अनुसार से जैसे अपने बच्चों के नाम लिख लेते हैं, रख लेते हैं, ऐसे ही इस काल के पुत्र तमोगुण शिव को भी हम उस परम अक्षर ब्रह्म की संज्ञा लेकर के संबोधित करने लगे इन नीम हकीम गुरुओं के कारण। तो रावण को बता दिया गया कि इसकी पूजा करने से और घोर तप करने से ये प्रसन्न होगा। अब जैसा भी गुरुजी ने बताया था, रावण ने सिर दड़की बाजी लगा दी। अपने भगवान शंकर को खुश करने के लिए यहाँ से गर्दन भी चढ़ा दी, यहाँ से काट के अपनी तलवार ऐसे मार के और लड़ा दिया। तो जैसा कर्म करेगा उतना फल ये अवश्य देते हैं। तो भगवान शिव ने उसको वो शरीर उसका एज इट इज फिर कर दिया। ऐसे 10 बार उसने शीश दिए और 10 ही बार उसको जीवित कर दिया भगवान शिव ने। इतनी शक्ति इन भगवानों में है कि जब तक जीव के सांस हैं और इन परिस्थितियों में यदि कोई उसको ऐसा कुछ होता है तो ये उसको स्वस्थ कर सकते हैं। स्वस्थ का मतलब ये नहीं कि उसके जैसे कर्मदंड के कारण कोई रोग है तो रोग नाश नहीं ये कर सकते हैं, वो भोगना ही पड़ेगा। सिर्फ ये है कि उसके निमित्त उन्होंने ये किया तो वो एज इट इज जैसे उसको जोड़ दिया। जैसे श्री कृष्ण जी और अर्जुन गए थे मोरध्वज राजा के घर, उनके पुत्र को आरे से चिरवा दिया, मृत्यु होगी, फिर उसको जीवित कर दिया क्योंकि उसके संस्कार थे, अब शेष थे उसके जीवन। लेकिन वही श्री कृष्ण अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके जो महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में मारा गया था। सुभद्रा रो रही थी, श्री कृष्ण रो रहे थे, यानी सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी, वो जीवित नहीं कर सके क्योंकि अभिमन्यु की आयु इतनी ही थी, उसका प्रारब्ध भी इतना था, इसलिए वो कुछ भी परिवर्तन श्री कृष्ण अर्थात विष्णु नहीं कर सके। श्री कृष्ण यानी विष्णु और शिव और ब्रह्मा ये तीनों एक ही सतर के, एक ही जैसे शक्ति युक्त प्रभु हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, केवल इनके विभाग का अंतर है। जैसे एक तो गृह मंत्री हो, एक सैर सपट्टा मंत्री हो, पर्यटक मंत्री, तो इनके विभागों में अंतर होने से उनकी जो है महिमा में फर्क और हो जाता है आम व्यक्ति की दृष्टि में, लेकिन उनकी शक्ति में अंतर नहीं है, पोस्ट एक जैसी ही है। तो भगवान श्री शिव जी को परम अक्षर ब्रह्म मानकर, मृत्युंजय मानकर रावण ने भक्ति की और सिद्धि मांग ली, रिद्धि मांग ली, सिद्धि आकाश में उड़ जाना, रिद्धि धन मांग लिया, दे दिया धन खूब, इतना धन दे दिया कि सोने की लंका बना ली रावण के राज्य में, लंका की मंडियों में हीरे मोती ऐसे बिका करते थे जैसे करनाल की मंडी में धान बिके, ऐसे उसके व्यापार हुआ करते थे, इतना धनी राजा हो गया। लेकिन सत साधना ना मिलने से, तत्वदर्शी संत ना मिलने से वो धरा धरा रह गया सारा उसका, वह सोने की लंका भी वहीं रहेगी, उन बंदर ठाए अंडे, उन सोने की डलिया ने बगाव समुद्र में ठाठा गए।
और सह परिवार नष्ट हो गया और नरक में डाल दिया गया। तो पुण्यात्माओं, जब तक हमें तत्वदर्शी संत नहीं मिलेंगे, हम इस मनुष्य जीवन को सफल नहीं कर सकते। तो जब हम इधर उधर जाते हैं तो वो संत हमें पहले तो कुछ क्रियाएं बताते हैं, फिर लास्ट में फाइनल कर देते हैं कि तुम्हारे कर्म का दंड तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अब हम परमात्मा की भक्ति किस उद्देश्य से करते हैं? जिनको कोई आपत्ति नहीं है, आपदा नहीं है, जिनके ऊपर किसी प्रकार का भी कोई संकट नहीं आया है, उनको कोई विघ्न नहीं है, तो वो भी साधना कर रहे हैं, तो परमात्मा की चाह में। उनको ये भी नहीं मालूम कि हम भक्ति कर किस लिए रहे हैं, भगवान को किस लिए चाह रहे हैं, लेकिन वो पिछले संस्कार उनमें इतने प्रबल हैं कि वो कोई ना कोई भक्ति की आड़ लिए बिना रह नहीं सकते। जिनके ऊपर संकट हैं, वो संकट निवारण के लिए ही परमात्मा की भक्ति करें। और भक्ति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संकट हमारे ऊपर ना आवें, और जो जिनके ऊपर वर्तमान में कोई आपत्ति नहीं है, तो वो भी भगवान से यही दुआ मांगते हैं कि हमारे जीवन में और कोई भी आपदा ना आवे, हम सुखी रहें। लेकिन जिन भगवानों की हम भक्ति कर रहे हैं, वो हमारे प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, और प्रारब्ध में परिवर्तन हुए बिना हम सुखी नहीं हो सकते। जैसा कर्म किया है वैसा ही भोगना पड़ा, तो हम फिर सुखी कैसे होंगे? किसी के प्रारब्ध में यानी किस्मत में लिखा है भाई, जान जानी है, मृत्यु होगी इस सम उम्र में, तो हो ही गई। फिर बताओ, फिर क्या फायदा उस भक्ति का? या कोई और आपत्ति आनी है तो वो भी आएगी। तो भक्ति किस लिए कर रहे हैं? भक्ति इसलिए कर रहे हैं, हम ये उद्देश्य लेकर चलते हैं कि हम सुखी रहें, हमारे ऊपर कोई कष्ट ना आवे। और फिर हम भक्ति करते हैं, कष्ट भी ज्यों के त्यों आते हैं, और हमारे पास विकल्प ना होने से हम ये सोच लेते हैं उनको भी ऐसा घटना घटी थी, उनके यहाँ भी ऐसी घटना घटी थी, फिर हम सेट हो जाते हैं। इन दुखों को हम दुख को ही सुख में आप बदलने की चेष्टा करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का 3 पुत्र थे और उसके 1 की मृत्यु होगी, अब बड़ा कष्ट में था, सारा परिवार रो रहा था, उनको सांत्वना देने के लिए सभी आसपास के रिश्तेदार कुल के लोग आते हैं। तो उनमें से एक ऐसा व्यक्ति भी वहाँ पहुँच गया कि जिसके 1 ही पुत्र था और उसी की मृत्यु होगी थी, तो सभी ने ये कहा कि देखो, इस बेचारे का 1 ही पुत्र था और उसी की मृत्यु होगी, अब ये भी तो जी रहा है। तो जिसके 3 पुत्रों में से 1 ही मृत्यु हुई थी, उसने राहत की सांस ली और खुश हो गया, हल्का बोझ हो गया। किस कारण से? कि चोखा है भगवान, मेरे 2 तो बच गए, 1 का मरिया है और इसके बेचारे का 1 ही था, वो ही मर गया। इसी से हल्का बोझ मान लिया, अब क्या फर्क पड़ गया उसको? अब तुलनात्मक तरीके से कि इससे तो मैं सुखी हूं, ऐसे हम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, यहां कोई विकल्प भी नहीं है, एक विकल्प है, समर्थ का शरण गहो रंग होरी हो, कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी, जैसे होली खेलते हैं, होली खुशी मनाते हैं, कहते हैं यहाँ अगर तुमने खुशी मनानी है तो समर्थ का शरण गहो और राम रंग होरी हो, फिर हमारे राम के रंग की होली होगी। ये बकवादियों वाले रंगों से हम होली नहीं खेल सकते, हम राम के रंग में रंग जाएंगे और फिर देखना। और कदे ना हो ऐ काज राम रंग होरी हो, हमारा कभी अकाज नहीं होगा, हमारा कोई भी ऐसा कोई आपत्ति नहीं आवेगी, किसी प्रकार का भी हमारा जो है बिगाड़ नहीं होगा, कोई हानि नहीं हो पाएगी, समर्थ का शरणागत।
अब समर्थ कौन है? समर्थ कौन है? अभी तक हमारे को श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को सर्वेश्वर और महेश्वर बताया गया, और जैसे भी इन नीम हकीम गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया, हमारे पूर्वज पूर्ण रूप से आश्रित हो गए श्री भगवान विष्णु और श्री शिव भगवान की साधना करने लगे। और ब्रह्मा जी की साधना नहीं करते, क्योंकि ब्रह्मा जी को श्राप मिला हुआ है उसकी माता से कि तेरी पूजा जग में नहीं होगी। अब इन दोनों भगवानों को हम सर्वेश्वर मानकर भक्ति किया करते थे, और जिस कारण से ना तो हमारे कोई संकट निवारण हुआ, जो कष्ट आना था वो आ ही जाता रहा। तो ये समर्थ नहीं है। समर्थ वो होता है जो अविनाशी है और सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार है, सर्वेश्वर है। सर्वेश्वर माने सबका मालिक। अब सबका मालिक कौन है? अब यहाँ थोड़ा सा आपको डिफाइन करते हैं, समझाना पड़ेगा, क्योंकि पुण्यात्मा परमात्मा की भक्ति करना कोई बड़ी बात नहीं और मोक्ष प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं, जब बात समझ में आ जावे तो। जैसे हम अपने पेट के लिए कितना कठिन से कठिन परिश्रम करते हैं, किसान को पता है अपने प्रोसीजर का, अपने प्रोफेशन का, और उसको पूर्ण रूप से करता है, तन मन धन से करता है, कठिन से कठिन परिश्रम करके भी उसको सफल करने की चेष्टा करता है, क्योंकि वो उससे पूर्ण परिचित है। जैसे ये दिसंबर और जनवरी का महीना हो और शीत लहर चल रही हो और किसान का खेतों में नहर के पानी का नंबर आ जाता है, नहर के पानी का समय डिवाइड होता है कि इस समय से इस समय तक फला व्यक्ति का, इस समय से इस समय तक उस किसान का, तो उस समय 12 बजे 1 बजे जिस किसान का नंबर आ जाता है रात की सिंचाई करने का नहर से, तो हम तो अपने मकानों में, अपने घरों में दरवाजे बंद करके और हीटर लगा कर सो रहे होते हैं, या एसी चला रहे होते हैं, या रजाई मोटी लेकर सो रहे होते हैं, और किसान पहुंच जाता है उसमें रात के 12 बजे, शीत लहर चल रही हो कहाँ खेत में, और सिंचाई के लिए पानी जब दूसरे किसान से रोकना होता है, काटना होता है, तो जूते निकाल कर और घुटनों से ऊपर तक पजामा या धोती को ऊपर टांग कर पानी में प्रवेश कर जाता है जल में, और कस्सी से मेहनत करके वो पानी रोकता है और अपने खेत में चालू करता है। वो परवाह नहीं करता कि कोई कांटा लग जाएगा, वो परवाह नहीं करता कोई सर्प डस जाएगा, वो परवाह नहीं करता कि तेरे नमूनिया हो जाएगा। उसको केवल अपना उद्देश्य दिखाई देता है कि यदि आज मैंने ये कार्य नहीं किया, ये जल सिंचाई नहीं की, तो मेरे बालक भूखे मर जाएंगे, मैं निर्धन हो जाऊंगा, मांगता फिरूंगा। तो वो समझदार है, वो अपने उस कार्य से पूर्ण परिचित है, इसलिए वो कोई परवाह नहीं करता और उस काम को करके ही पीछे दम लेता है। तो पुण्यात्माओं, जिस समय आपको इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य का पता लग जाएगा, आप भी तो मनुष्य ही हो, फिर आप इसी तरह कार्य करोगे, आप किसी की परवाह नहीं करोगे, सत्संग सुनने आओगे, भक्ति भी करोगे और परमात्मा पाओगे, क्योंकि ये प्रोसीजर है, ये यही एक तरीका है उस परमेश्वर के पाने का। कौन सा तरीका है? कि सबसे पहले गुरु हो। परमात्मा कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। अब प्रसंग जो चल रहा है कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि वो समर्थ कौन है जिसका हम शरण ग्रहण करें,
और जब हमारे ये बात समझ में आ जाएगी, ये फाइनल हो जाएगा कि ये भगवान है समर्थ, और इससे ही हमें वो लाभ होगा जिसकी हम इच्छा कर रहे हैं, तो फिर हम उसी परमात्मा पर आश्रित हो जाएंगे। हम अन्य भगवानों से मन हटावांगे। वैसे कहने से नहीं हटता, जैसे हम कहें कि तुम ये साधनाएं मत करो, ये करो, तो आपका मन डगमग रहेगा कि हम यूँ ये क्यों करें, ये क्यों छोड़ दें जो पहले हम कर रहे थे। तो ये सब निर्णय आपके समक्ष होगा, तभी आप इनसे हटोगे, अपने आप हट जाओगे। इन्हीं भगवानों से भी आपकी आस्था अपने आप हट जाएगी। कैसे हटेगी? जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जिस समय बहुत बड़े जलाशय की उपलब्धि प्राप्ति के उपरांत आपकी आस्था उस छोटे जलाशय में रह जाती है, ठीक इसी प्रकार उस परम अक्षर ब्रह्म, उस पूर्ण परमात्मा के गुणों से परिचित होने के उपरांत, उस तत्वदर्शी संत से ज्ञान सुनने के उपरांत, परम अक्षर ब्रह्म की महिमा से परिचित होने के उपरांत अन्य भगवानों में ऐसी ही आस्था आपकी रह जाओगी जैसे बहुत बड़े जलाशय के की प्राप्ति के उपरांत छोटे तालाबों में आस्था रह जाती। अब देखो कितना निर्णायक ज्ञान दे रखे पवित्र गीता जी में, कि जैसे पहले क्या था, जब ये गीता जी बोली जा रही थी उस समय सभी प्राणी मनुष्य सरोवरों पर आश्रित थे, तालाबों पर। आपने देखा होगा, अब भी आप देख सकते हैं गाँव के चारों तरफ तालाब होते हैं। पहले गांव छोटे छोटे होते थे, 10-20 घर कहीं भी इकट्ठे रहे पूरा एक कुल, और वहाँ बैठ जाते थे किसी सरोवर की तालाब की शरण लेकर के। और वो छोटे तालाब ऐसे होते थे जैसे वर्षा हो जाती, वर्षा के दिनों में तो वो भर जाते थे, और सारा वर्ष उसी से वो पीते भी थे, पशुपालन भी करते थे, और कहीं छोटी मोटी कोई सब्जी खेती करी तो उसी से ही वो करते रहते थे। तो छोटे जलाशय यानी छोटे तालाब ऐसे होते थे, एक वर्ष वर्षा ना हो तो उनमें जल नहीं, सूख जाते, और उनके आश्रित प्राणी भी आपत्ति का सामना करते, उनकी भी मृत्यु हो जाती है, उसको छोड़कर भागना पड़ता कहीं जाते हो। और एक बहुत बड़ा जलाशय यानी बहुत बड़ी झील मिल जाए जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी उसका जल सूखे नहीं, और वो उन प्राणियों को वो मिल जावे, फिर उनकी आस्था उस छोटे जलाशय में जैसी रह जाती है। अंडरस्टूड है यो? बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हो कि उस छोटे जलाशय से हम जितना लाभ प्राप्त कर रहे थे वो लाभ बुरा नहीं था, लेकिन वो सुफिशियंट नहीं था, वो पर्याप्त नहीं था। अब हमें वो इतना बड़ा जलाशय मिल गया, और जिसकी शरण में हम रहेंगे, जिसके सहारे हम बैठेंगे जाके, उसमें 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी उसका जल समाप्त नहीं होता, तो छोटे जलाशय पर कौन रहेगा? जब मैं उठाएगा अपने सारे बाल बच्चों को और वहाँ जा बैठेंगे, तो कहने का भाव यह है कि वो जलाशय बुरा नहीं था छोटे वाला, उसका जल बुरा नहीं था, लेकिन पर्याप्त नहीं था, कभी भी आपत्ति का सामना करना पड़ सकता था और करना पड़ता भी था। तो इसी प्रकार ये अन्य भगवान जो हैं, अन्य देवता, ये तो छोटे जलाशय समझो, और समर्थ परमात्मा को दरिया समझो। दरिया झील की संज्ञा तो वैसे समझाने के लिए आपको दे रहे हैं, लेकिन वो तो दरिया है जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता, अथा जल जिसके अंदर हो। तो वो दरिया मिल जाए तो फिर तो कहना है क्या? तो इस प्रकार हमने उस समर्थ को पहचानना पड़ेगा। अब क्या बताते हैं, और संत सब कूप हैं, केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है वो दरिया सत्य कबीर। अब कुछ संत तो कूप समझो, कुएं,
और संत का मतलब है जैसे गुरु, और एक तो गुरु है श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी की महिमा बताने वाला, एक वो तो समझो कूप है, यानी उस कूप से उस हैंडपम्प से मिलने वाली राहत अस्थाई है, उस कुएं से मिलने वाली, क्योंकि कुआं क्या होता है, जो जिस भी सतर पर तो उसकी नीचे का लेवल छोड़ रखा है, जैसे यूँ क्या करें भाई इस हैंडपम्प का या ट्यूबवेल को ऊपरले पानी पर छोड़ रखे है, तो ऊपरले पानी पर वो थोड़ा ही काम करा करें, और एक कहते नीचे वह चोए में पहुंचा दिया नीचे, अच्छी गड़ आ गई और फिर वहाँ से वो खूब पानी देता है। तो ये जो वो गुरु जो होते हैं वो उस ईष्ट से कनेक्टेड होते हैं जिसके वो साधक हैं, और फिर उस ईष्ट से वो उसका थर्मल प्लांट है ना समझ लो, उससे फिर आगे दूसरों को कनेक्शन देते हैं जो शिष्य वो बनाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि वो जब कूप का जल कितना काम कर सकता है अंडरस्टूड है, और केते जरीता नीर, जो ब्रह्म तक की साधना बताने वाले ये भी गुरु हैं, इनको समझ ले झरना, थोड़ा छोटा मोटा कोई झरना बह रहा है उससे प्राप्त सुविधाएं। और दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर, दादू साहब कहते हैं कि ये परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सर्वसृष्टि के रचनहार ये कबीर साहब ये दरिया है, दरिया। अब हमने दरिया की शरण ग्रहण करनी होगी। दादू साहब जी कहते हैं जिन मो को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार, जिन मो को निज नाम दिया है सही मंत्र आके दिया, वो परमात्मा सतगुरु रूप में आते हैं और तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, उनको अपनी शरण में लेते हैं, उसी आधार से जो लीला प्रभु किया करते हैं उस अपने लीला के अंतर्गत जिन महापुरुषों से मिले उनमें से एक दादू साहेब जी भी हैं, आदरणीय दादू साहेब जी, जिनको परमात्मा मिले, जिनको भगवान मिले, उनका नाम लेने से भी पवित्र जीवा होती है हमारी ऐसे महापुरुषों की। और जिन्होंने मिसगाइड कर दिया पूरे विश्व को, उनका नाम लेने तो भी पाप लगे लेकिन मजबूरी में लेना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये संत नहीं थे, इन्होंने बठा बठा दिया समाज का। और उन महापुरुषों के हमने सुने नहीं जिन्होंने आँखों देखा और भगवान को और बताया कि ये परमात्मा हैं। आज हमारी समझ में आई कि सचमुच कबीर इज गॉड, और वो कबीर जो बनारस में काशी शहर में एक जुलाहे की भूमिका करने आए करके गए थे, 120 वर्ष रहे थे, सह शरीर आए सह शरीर चले गए थे, वो परमात्मा है जिन्होंने वो ऐसी लीलाएं किया करता है जो वेद बता रहे हैं। और किसी भी जिनको हम भगवान मानते थे किसी भी की भी जीवनी में वेदों अनुसार कोई भी लीला नहीं है उनकी। तो पुण्यात्मा सबसे पहले हमने समर्थ को पहचानना, फिर उसके बाद आपकी आत्मा आप पर फंस जाएगी, आप ही हट जाओगे वहाँ से, ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़े। अब प्रसंग चल रहा है कि उन पुण्य आत्माओं में से जिन जिन को भगवान मिले उन्होंने यही बताया कि वो कबीर जो बनारस में आए थे काशी में, जिनको हम जुल्हा कहा करते थे, और एक कवि की संज्ञा देकर उनके इतिहास की फाइल को क्लोज कर रखा था, अब वो फाइल फिर खोलनी पड़ेगी। अब उस फाइल को खोल कर देखा तो उसमें तो खजाना दबा है, ये समर्थ थे, खुद परमात्मा थे, जिन अज्ञानियों को लाल को कौड़ी बना करके कूड़े में डलवा दिया था हमसे, आज वो लाल हमने पहचान लिया और फिर उठा लिया। अब कहते हैं जय कंचन बिष्टा पड़े घटे नता का मोल, यदि सोने को कहीं टट्टी में डाल दे उसकी कीमत में फर्क नहीं होता, समझदार व्यक्ति जब वह निकाल कर धो कर मांज गए पहुँचेगा सुनार के पास, अब जाते ही पैसे दे देगा, ले भाई इतनी कीमत है इसकी। इसी प्रकार हमने लाल को पहचाना है और उसकी पहचान आपसे भी करवा रहे हैं, आपको भी बता रहे हैं कि ऐसा होता है लाल,
उसके गुण ऐसे होते हैं। तो आपका जब समझ में आ जाएगी कि सचमुच ये लाल है तो आप भी भीतरली जेब में डालोगे, कदे कोई और ना देख ले, अपना पता है कोई ना अभी तक ये क्या कीमत है इसकी। तो पुणात्मा श्री ब्रह्मा विष्णु महेश ये कितने समर्थ हैं, इनकी कितनी क्या स्थिति है, ये नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है और कर्म का दंड ये स्वयं भी भोगते हैं और जो इनकी पूजा करते हैं उनको भी प्रारब्ध के कर्म को भोगना ही पड़ेगा। यानी उनके जीवन रूपी सफर के पाप रूपी कर्म काटे कट नहीं सकते, निकल नहीं सकते, तो उन्होंने वो आजीवन भोगने ही पड़ेंगे, जैसे उनके कर्म में लिखा है वो कर्म भोगना पड़ेगा। और ये अंतिम सिद्धांत ये खुद भी बताया करते, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अब भगवान का विधान तो सही है कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, लेकिन हम कर्म ही गलत कर रहे हैं। हम शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं कर रहे हैं जो गीता जी में वर्णित नहीं है, तो हमारे अशुभ कर्म बन रहे हैं, उनसे कोई लाभ नहीं होना। और फिर वेदों में ये भी लिखा है कि समर्थ जो परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म, वो हमारे घोर से घोर पाप का विनाश कर देगा। वो कैसे करेगा, उसकी विधि बताई है कि इस तरह ये मंत्र जाप करो और अन्य कोई साधना मत करो, तुम्हारे प्रारब्ध के पाप का भी नाश हो जाएगा, तो पाप रूपी कांटे कट जाएंगे। हमारे जीवन रूपी सफर में जो कांटे पाप कर्मों के हैं वो निकल जाएंगे, तुम सुखी हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी की यदि हम साधना करें, हम सुखी नहीं हो सकते। इनकी भक्ति से हम संकट निवारण नहीं करवा सकते, हमारे प्रारब्ध में आने वाली आपदाएं टल नहीं सकती, और इनको छोड़कर और नीचे पहुंच गए हम, भैरव भूत हनुमान और मंडी मसानिया पे हमारे तो फूट गए ना बागकति, बिना ज्ञान के हमने कहाँ पहुंचा दिए, भूत पूजो अस्थि उठाओ गंगा में इसकी मोक्ष करा के आओ। मोक्ष तो उस दिन कर दिया हमने, जैसा मोक्ष का पता था फूक फाक दिया, मोक्ष तो हमने हाथों कर दिया, और फिर क्या रहेगा, ईसाई मोक्ष होना है जब गंगा में डालने मात्र से मोक्ष होना है, तो वो तो वहीं कर दिया था हमने। नहीं, उनका मोक्ष तो पहले कराना था जब वो जीवित था, अब मरने के बाद मोक्ष होया करे। मोक्ष प्राप्ति के लिए ऋषि महर्षियों ने शरीर गाड़ दिए, घर त्याग दिए, साधनाएं की, गलत साधना करने से उनके भी मोक्ष नहीं हुए, और मृत्यु के बाद ये कहते हैं गंगा में अस्थि बहा दो, इसकी 13वीं कर दो, 17वीं कर दो, फिर पिंड भरवा दो और फिर श्राद्ध निकाल दो, होगी मोक्ष, हो गति होगी, गति के लिए अंगा लगेगा पूरा। और कैसे लगेगा, सत साधना करनी पड़ेगी, अनुपासना त्यागनी पड़ेगी, और जो हमारे सदग्रंथ पर लिखा है वही पूजा हमने करनी पड़ेगी, तब हमारी गति होगी। वैसे तो हंगा तो नहीं लगेगा, क्योंकि हमने ये जो और साधनाएं संग्रह कर रखी हैं ये छोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, और ये तो ये छूट भी तभी सकेंगे जब आपको ये पता चलेगा ये खाम खाम डले ढो रहे हैं। तो उस ये आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि ये लाल है, ये कौड़ी है, ये पहचान बनाने के लिए सत्संग किए जा रहे हैं, प्रमाण दिखाए जा रहे हैं सदग्रंथों के। नहीं तो पुण्यात्माओं, दो अक्षर की बात थी जब तुम्हारे अंदर ये अज्ञान ना भरा हुआ होता, नाम दे देता दास, मर्यादा बता देता, अरे भक्ति करो ठाट से, बात तो खत्म होगी थी। लेकिन आप भक्ति कर नहीं सकते जब तक आपके हरदम ये ठोक ठोक कर नहीं भर दिया जाएगा कि सचमुच ये भगवान है और ये साधना है प्रमाणित है सदग्रंथों में, इससे मोक्ष होगा ना, फिर क्यों डले डोए, क्या फायदा रीस करने का भक्ति का। तो इस सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए आपको सत्संग सुनाया जाता है ताकि आपकी रुचि बने, आप फिर अपने आप उन छोटे जलाशयों को त्याग कर और दरिया के किनारे जा बसो, आप सदा सुखी रहोगे, वहाँ कभी अभाव नहीं होगा किसी वस्तु का। तो वो दरिया सतलोक है, वहाँ जाने के बाद किसी भी वस्तु का कभी अभाव नहीं होगा,
फॉर एग्जाम्पल आप देख लो कि छोटे जलाशय में तो जल समाप्त होगा और दरिया के पास आप चले गए तो वहाँ कभी भी जल समाप्त नहीं होता, आपका जल संबंधित जो संकट था सदा के लिए समाप्त हो गया।